सरकार के 2 साल पूरे होने पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य को एक और ग्रीड का तोहफा दे सकते हैं और ये ग्रीड राजधानी रांची के दलादली चौक स्थित बुड़मू में बनकर तैयार हो गया है। इसे किसी भी दिन चार्ज किया जा सकता है और इस ग्रीड के बन जाने से रांची में जो सरप्लस बिजली है उसकी आपूर्ति होने लगेगी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में बिजली की ज्यादा से ज्यादा आपूर्ति कांके ग्रीड के माध्यम से होती है। परिणाम ये होता है कि कांके ग्रीड पर जरूरत से ज्यादा बोझ है, लेकिन अब राजधानी रांची के दलादली चौक स्थित बुड़मू में नया ग्रीड बनकर तैयार हो गया है। इस ग्रीड की क्षमता 220 KV / 132/33 KV है। इसे पतरातू से जोड़ा जाएगा। अन्य ग्रीड की तरह इस ग्रीड का काम भी पिछले कई सालों से लटका हुआ था, लेकिन संचरण निगम के एमडी के वर्मा की लगातार बैठक और केंद्र के साथ समन्वय के बाद ये काम संभव हो पाया है कि हमारा जो बुड़मू में ग्रीड बनकर तैयार है और उसको अभी सोर्स जहां से विद्युत की आपूर्ति होनी है पतरातू में जो हमारा ग्रीड बन रहा है 400 KV का, वो अभी निर्माण हो चुका है। उसकी सारी तैयारी चल रही है, उसको बहुत जल्द वहाँ पर चार्ज किया जाएगा ग्रिड को, और वहाँ से जब विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी तब हमारा बुड़मू ग्रिड में बिजली पहुँचेगी और बुड़मू ग्रिड से फिर हम रांची और आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। बुड़मू ग्रिड के बन जाने से रांची को सरप्लस बिजली मिलेगी। कांके और हटिया ग्रिड में जब कभी मेंटेनेंस का काम चलता है रांची की बिजली प्रभावित हो जाती है, लेकिन बुड़मू ग्रिड के आ जाने से रांची में कभी भी शटडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते हैं बुड़मू और रातू का एरिया और राजधानी रांची, हम लोग का ऐसा ग्रिड नेटवर्क बना हुआ है कि कम से कम 70 से 80 MW हम लोग रांची में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति करने में सक्षम होंगे, तो इससे हमारा कांके पर निर्भरता कम होगा थोड़ा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और रांची शहर और राजधानी रांची की बिजली आपूर्ति बहुत। फिलहाल इंतजार है 29 दिसंबर का, जब राज्य के मुख्यमंत्री इस ग्रिड को जनता को समर्पित कर देंगे। रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।